को धोखा दिया था तो उन्होंने एक बहुत छोटी कहानी साजिश ने लिखी थी, उसका नाम था आवारा कुत्ता। और वो कुत्ता जो है मालिकों ने सड़क पर छोड़ दिया था, वो कुत्ता ढूंढता है। तो पहले मैंने सोचा था वही सुनाऊंगी, लेकिन वो थोड़ी लंबी है कि क्या बेचैनी क्या परेशानी उसको होती है कुत्ते को हमारे। मैं आईने के सामने पहुंचा, लेकिन डर के मारे मैंने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। वहां आईने में अपनी सूरत की जगह नहीं है, मैं बूढ़ा खंजर पंजेरी में तब्दील हो चुका था, यानी कबाड़ी में। कुछ शब्द मैंने वैसे ही रखा है क्योंकि उसकी साउंड मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे सिर और दाढ़ी के बाल मेरे नहीं किसी और के हो चुके थे, जो उस कमरे से जिंदा निकल आया था जहाँ एक सांप मौजूद था। अचानक सब कुछ सफेद हो चुका था, मेरे होंठ बूढ़े के होंठ जैसे अधकटे थे, आंखें बिना पलकों की एक मुट्ठी बाल सीने से बाहर झांक रहे थे, और मेरे बदन में जैसे एक नई आत्मा का प्रवेश हो चुका था। मेरी फिक्र बदल चुकी थी, मैं किसी दूसरे की तरह अपने को महसूस कर रहा था, और चाहने के बावजूद मैं खुद को उसके चंगुल में जो राक्षस मेरे अंदर जाग गया था उससे आज़ाद नहीं कर पा रहा था। उसी हाल में जैसे मैंने अपने दोनों हाथों से मुंह छुपाया था, खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो हंसी मेरी पहली वाली हंसी से कहीं ज़्यादा ऊंची आवाज़ में थी, जिसने मेरा पूरा बदन झकझोर कर रख दिया था। ऐसी गहरी हंसी के यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे बदन के छुपे हुए किस तहखाने से बाहर निकली। वो खोखली खरखराती सी हंसी एक बारगी मेरे गले में घूमी और उसी खाली जगह से बाहर निकली थी। अब मैं सचमुच में बूढ़ा मर्द खंजर पंजेरी हो गया था। बेचैनी को शिद्दत का ये आलम था कि लगा मैं एक लंबी गहरी नींद से जागा हूँ। आंखों को मला अपने उस पुराने कमरे में अपने को पाया जहाँ अंधेरा उजागर था और बादलों और धुंध ने शीशों को ढक रखा। दूर से मुर्गे की आवाज़ आती सुनाई दे रही थी। मेरे सामने रखे मंकल के सुर्ख अंगारे उसी रूप में ठंडी रात में बदल चुके थे जो एक कश में उड़ जाते, ठीक मेरी खोखली सोच की तरह, जो रात हुए अंगारों की तरह एक फूंक में हवा। पहली चीज़ जिसको मुझे फिक्र थी वो गुलदान रामे था, जिसे कब्रिस्तान में बूढ़े गाड़ीवान ने से मैंने लिया था, लेकिन गुलदान मेरे सामने नहीं था, कहीं नहीं था या मुझे नज़र नहीं आया। अचानक देखा कि दरवाजे के पास एक साया झुकी हुई कमर के साथ आया। यह आदमी एक कुबड़ा था जिसने अपने सिर और दाढ़ी को अपनी गर्दन से झूलती शॉल से ढक रखा था। उसने अपने बगल में एक गंदे गौछे में लिपटा पात्र नुमा कुछ दबा रखा था। सूखी भयानक हंसी हंस रहा था जिसे सुनकर किसी भी आदमी के बदन के रोंगटे खड़े हो। मैं अपनी जगह से उठने ही वाला था कि वो दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं खड़ा हुआ और चाहता था उसका पीछा करूं और वो गुलदान जो उसने गंदे रुमाल में लपेट रखा था उससे ले लूं। तब तक वो आदमी गजब की फुर्ती दिखा वहां से गायब हो चुका था। मैं लौट आया और कमरे की खिड़की खोल गली में झांकने लगा। देखा गली में एक झुकी कमर वाला बूढ़ा जा रहा था जिसके कंधे हंसी की शिद्दत से हिल रहे थे और उसके बगल में गंदे रुमाल का बस्ता दबा हुआ था। उठता गिरता वो जब तक जाता रहा मैं देखता रहा, जब तक धुंध में वो पूरी तरह गायब नहीं हो गया। मैं मुड़ा और खुद पर नज़र डाली। मेरे कपड़े फटे हुए थे, सिर से पैर तक थका जमे हुए खून से भरे। दो सुनहरी मधुमक्खियाँ को अपनी तरफ मंडराती और अपने जिस पर सफ़ेद छोटे छोटे कीड़ों को रेंगते पाया। दिल पर मुर्दे के बोझ का दबाव बढ़ता महसूस।